और क्या हाल चाल है? तो यार देखो, आपके स्कूल की मेमोरीज कैसी थी ना, ये डिपेंड करता है कि आपके स्कूल फ्रेंड्स कैसे थे। लाइक मेरे स्कूल मेमोरीज ना बहुत ही कमाल की रही है, क्योंकि मेरे ग्रुप में एक दोस्त था गुज्जर, जिसे हम भाटी बुलाते थे। वो हर किसी के फट्टे में घुसता था। अगर दो बंदों के बीच में बातचीत हो रही है ना और वो गया तो लड़ाई तय, क्योंकि उसका मानना था कि बातचीत में कुछ नहीं रखा, हाथ छोड़ दो। दूसरा दोस्त था जाट, जिसे हम जाटी बुलाते थे। इसमें तमीज नहीं थी बिल्कुल भी। आप इससे नॉर्मली भी पूछ लो कि कैसा, तो जवाब काला और मोटा लेगा क्या। तीसरा दोस्त था हमारा सरदार, जिसे हम बाबे बुलाते थे कि बाबे तुझसे घर नहीं जाना। इसका दो ही मोड़ था, या तो ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता था या बहुत ही इमोशनल। चौथा दोस्त था पंडित, ये सैतानी खोपड़ी था, सारे हरामी आइडियाज इसी के दिमाग में आते थे। और पांचवा मैं, और हम पांचों को ना नाम फैलाने का खूब शौक था। हम वो हर काम के लिए रेडी थे जिससे हमारा नाम होगा। तो हमारा एक ग्रुप बना 9th स्टैंडर्ड में, और इसको पहचान मिली जब हमने 9th सी के थापा को मारा। भाई साहब, थापा 6 फुट लंबा चौड़ा इंसान, 12th वाले बच्चे डरते थे यार, क्योंकि 9th में ही उसका पूरा शारीरिक विकास हो गया था। पीटे सर डरते थे यार उससे। फुल नाम था इसको स्कूल में। वो एक बार हमारे क्लास में डस्टर लेने आया, जिस डस्टर की जिम्मेदारी हमें इंग्लिश वाली मैम दे के गई थी, क्योंकि वो मैम हम सबकी क्रश थी। भाई साहब, नेहा नेगी नाम था उनका। जब वो कॉरिडोर में चलती थी ना, तो बच्चों को पूरा झुंड उनके पीछे पीछे चल पड़ता था। खुले बाल रखती थी यार, मुंह को छू के जाता था, हाय हाय। उनको देख के ना बैकग्राउंड में गाना चलने लगता था कि तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे। छोटे छोटे बच्चे फिदा थे यार, जिनको ये नहीं पता था कि मैडम अगर उनसे सेट हो गई तो करेंगे क्या। तो हमने थापा से रिक्वेस्ट की कि भाई दिल का मामला है, समझ। थापा कहता है इधर भी वही सीन है, क्योंकि डस्टर लाने के लिए भी इंग्लिश वाली मैम ने भेजा था। ये खूबसूरत लड़की है यार। तो हम थापा पे डायरेक्ट हमला तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि थापा स्ट्रांग था। तो वो डस्टर लेके जैसे ही मुड़ा, जाट ने अपना ब्लेजर निकाला, उसके मुंह को ढक के उसके गर्दन को बाजुओं से पकड़ लिया, और हम चारों उस पर टूट पड़े। लेकिन थापा बहुत स्ट्रांग निकला। उसने अपने बाजुओं का ऐसे हिलाया, हम चारों चार कोने में सेट। पूरी क्लास हंसने लगी हम पे। फिर मैंने जैसे ही देखा ज्योमेट्री में, मुझे वो डिवाइडर का भाई दिखा। अरे क्या कहते हैं यार उसको, जैसे डिवाइडर के एक लिंग होते हैं ना, उसके दो लिंग होते हैं। जो पूरे स्कूल लाइफ में किसी काम का नहीं होता, मेरे काम आया था। मैंने उसको पकड़ा, उसके दोनों लिंग थापा के पिछवाड़े में घुसा दिए। मुझे देख के भाटी, पंडित और बाबे ने भी, जैसे महाभारत में भीष्म पितामह को जिस्म को तीरों से छल्ली कर दिया था ना, सेम वैसे हमने लिंग से इसके पिछवाड़े को छल्ली कर दिया था। उसके बाद जो थापा चीखा और खून की धार फेंकता हुआ कॉरिडोर से भागा, उसकी चीख सुन के पूरे स्कूल थर्रा गई यार, कि थापा को मारने वाला कौन पैदा हो गया। सारे बच्चे अपने अपने क्लास से बाहर निकल के झांक रहे कि ऐसा कौन मर्द पैदा हो गया इस स्कूल में। फिर उन सबकी निगाहें हमारी तरफ थी, और सबकी आंखों में साफ दिख रहा था कि तुम लोगों की मौत तो तय है। एक दो दिन में खेल खत्म है भाई तुम्हारा। लेकिन उसके बाद थापा ने कुछ करा ही नहीं। जानलेवा हमला देख के डर गया थापा, ने कि ये तो शेर की खाल में कुत्ता निकला। ऐसी 9C वालों ने हवा बना रखी थी। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद ना हमारा फुल नाम हो गया भाई। पूरे स्कूल खौफ में था हमारे। हम किसी से भी कितने भी मजे ले ले, रिप्लाई तक नहीं देते थे। सब खौफ में थे सिवाय संस्कृत वाले सर के।
उस इंसिडेंट के बाद हमारे पीछे ही पड़ गए यार, क्लास में एंट्री करते हैं, हमें क्लास से बाहर कर देते थे कि गेट आउट ऑफ माई क्लास। मैंने कि संस्कृत के टीचर हो, इंग्लिश में तो मत बोलो। लेकिन डेली डेली यही सीन यार, अब बच्चे ना हम पे हंसने लगे, कहते हैं सही फाड़ते हैं यार संस्कृत वाले सर, इसकी जरूरी भी है। तो मैंने कि यार हमने इतने रिस्क के बाद ये नाम बनाया है, कहीं ये मास्टर सब जीरो ना करते हैं। तो पंडित कहता है उसका इलाज है मेरे पास। मैंने कि बता, कहता है सुन, कल सर जैसे ही हमारे क्लास में आएंगे, मैं सर को बोलूंगा कि सर हमारा प्लान बन गया, आप भी चलोगे? सर कहेंगे कहाँ? तुम लोग कह देना यहाँ। सर की हो जाएगी फुल बेइज्जती और लोगों को समझ में आ जाएगा हमसे टकराने का नतीजा। और अब ये चूतिया पर लग रहा है, उस समय हमने पंडित का सर चूम लिया था कि इतना खतरनाक आइडिया आया कैसे। फिर नेक्स्ट डे जैसे ही संस्कृत वाले सर हमारे क्लास में आए, और इससे पहले वो हमें क्लास से बाहर जाने के लिए बोलते हैं, पंडित ने मुस्कुरा के पूछा कि सर हमारा प्लान बन गया, आप भी चलोगे? सर कहते हैं कहां ले जाओगे मुझे? हम सबने कहा यहां। पूरी क्लास पागलों की तरह हंसने लगी, सर की हो गई ऐतिहासिक बेइज्जती। अब सर को समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है यार, पनिशमेंट देना है क्या करना, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था। कभी डस्टर उठा रहे हैं, कभी पानी पी रहे हैं, फिर उनको याद आया कि अच्छा पनिशमेंट देना है। तो उन्होंने सुनाया तालिबानी फरमान कि अब तुम पांचों जून जुलाई की कड़कती धूप में ग्राउंड के बीच में सूरज की तरफ मुंह करके खड़े रहोगे, वो भी पूरा हफ्ता। हमने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो कांड किया उसके लिए सजा बहुत कम था, हमने खुशी खुशी सजा कबूल कर ली। लेकिन हमारा वो कांड बहुत तेजी से वायरल होने लगा भाई साहब, एक घंटे में तो पूरे स्कूल के बच्चों को पता चल गया था। अब वो आपस में खेल रहे हैं कि चलेगा कहां यहां, अबे तू भी तो वहीं रहता ना, कहां यहां, मतलब जिस सवाल के जवाब में कहां आए उसको यहां पहुंचा दे। तो दो तीन दिन के अंदर ना हमारा कांड आसपास के स्कूल, कॉलोनी, मोहल्ले, हर जगह वायरल हो गया था। सब ऐसी मजे ले रहे थे, और हमें सर ने पनिशमेंट दी थी, बाबे उसमें भी मजे ले रहा है, वो ऐसे धूप में खड़ा है। सूरज की किरणों से अपने टट्टे गर्म कर रहा है। फिर सर हमें देखने आए दो तीन घंटे बाद कि कहीं ये छांव में तो नहीं बैठे। तो जैसे ही आए, बाबा कहता है सर आप अंडे खाते हो क्या? सर ने कहा क्यों, रिश्वत देना चाहता है ताकि पनिशमेंट माफ कर दूं? कहता अरे नहीं सर, बताओ ना खाते हो क्या, बताओ ना। सर कहते हैं हाँ खाता हूं। तो कहता है लो दोनों उबल गए, छील के खा लो। उसके बाद सर हो गए पागल गुस्से से, उन्होंने कहा जब तक अब तुम्हारे पेरेंट्स स्कूल नहीं आएंगे ना, तब तक तुम्हें क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और बहुत अच्छी लगी है ना तो शेयर भी कर दो यार। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ रहा है, वो आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार।